नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। 31 साल बाद ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना हुई है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने विधि विधान से पूजा करवाई, डीएम और कमिश्नर भी मौजूद रहे। ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा का आदेश देने के साथ ही वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके विश्वेश रिटायर हो गए। अपनी न्यायिक सेवा के आखिरी दिन अजय कुमार विश्वेश ज्ञानवापी पर फैसला देकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। अजय कुमार विश्वेश ने ही एसआई सर्वे का आदेश दिया था। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। लैंड ऑर्डर के इंतजाम है पूरे, सुरक्षा की व्यवस्था है, अधिकारी ड्यूटी पर है और अच्छी व्यवस्था रहेगी। कोर्ट के फैसले के 9 घंटे बाद ही लोहे के बाड़ हटा दिए गए और देर रात पूजा की शुरुआत कर दी गई। गुरुवार रात 12 बजे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में विश्वनाथ मंदिर की तरफ से, जहां बड़े नंदी विराजमान हैं, उनके ठीक सामने बैरिकेडिंग को खोलकर तहखाना जाने का रास्ता बनाया गया। वाराणसी के जिलाधिकारी ने साफ कहा कि आज न्यायालय के आदेश के पालन कर दिया गया है, यानी कि उनके कहने का मकसद ये साफ था कि पूजा अर्चन की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वाराणसी के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर इस समय मंदिर परिसर से निकलते हुए ज्ञानवापी के, और उन्होंने कहा कि आदेश जो भी था कोर्ट का उसका पालन करा दिया गया है। इसका मतलब साफ था कि आदेश पूजन अर्चन का था और पूजन अर्चन शुरू करा दिया गया है। सर्वे के दौरान जो मूर्तियां मिली थी उन्हें रखकर देर रात पूजा पाठ कराया गया, आरती की गई और भोग लगाकर प्रसाद बांटा गया। बड़े ही मतलब विद्युत गति से प्रशासन ने इस पर काम किया और करीब रात 10 बजे के बाद से ही जो है जो आला प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी मूवमेंट काशी विश्वनाथ परिसर में शुरू हो गई और करीब 2-2.5 घंटे के एक प्रोसेस के बाद में जो है ऐसा माना जा रहा है कि अंदर जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी नंदी और उस तहखाने के बीच में, उस बैरिकेडिंग को हटाया गया है। अब बाहर आते समय जो डीएम बनारस हैं, जिलाधिकारी महोदय, उन्होंने हम लोगों से सिर्फ इतना ही बताया कि माननीय न्यायालय के ऑर्डर का कंप्लायंस हो गया है। तो अंदर वस्तु स्थिति क्या है एग्जैक्टली और क्या क्या हुआ इस बारे में अभी कोई भी जानकारी हम लोग को नहीं प्राप्त हो सकी। तो फिलहाल जिस तरीके से जो अभी तक जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार कोर्ट के आदेश का पालन करा दिया गया है, खुद जिलाधिकारी का कहना है। और जो अयोध्या में पूजन अर्चन कराने वाले 94 वर्षीय गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ हैं, वो भी ज्ञानवापी परिसर से निकलते हुए दिखाई दिए हैं, तो माना जा रहा है कि उन्हीं ने पूजन भी कराया होगा। प्रशासन ने देर रात तहखाने के भीतर पूजा की व्यवस्था काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को सौंपी है। विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर द्रविड़ ने व्यास जी के तहखाने में पूजा कराई। तो हम लोगों को आज जो है बहुत खुशी हो रही है कि हमको जो फिर से अपने जो है पूजा करने का उस स्थान पर हमारे तहखाने में अपने अवसर मिला। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों को सानिध्य मिला भगवान का, भगवान के पास आने का जाने का जो है। जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था, आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। मुझे लगता है आम लोग जा सकते हैं और आम लोग जाएंगे भी, जो भक्तजन है वो वहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। पूजा पाठ कौन करे इसके लिए ऑलरेडी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को निर्धारित किया गया है। कोर्ट का आदेश आने के बाद रातों रात तहखाने से बैरिकेडिंग हटा दी गई। इसके बाद तड़के पूजा के लिए लोग जुटने लगे। पूजा की शुरुआत कड़े प्रशासनिक सुरक्षा घेरे में शुरू हुई। मैं तो बाबा विश्वनाथ की एक स्तुति करना चाहता हूँ कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। इस श्लोक में निरंतर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, गौरी निरंतर विभूषित। मैं इसी निरंतर शब्द को ले रहा हूँ कि बाबा विश्वनाथ की इतनी सुंदर कृपा हुई है, आज अब हम निरंतर कृपा निरंतर पूजन करते रहेंगे। नंदी भगवान के पास आप पहुँचे तो किस तरीके की अनुभूति हुई? हाँ, नंदी देव के पास जब हम पहुँचे तो आज तो लग रहा था कि हम ही नहीं प्रसन्न है, हमारे नंदी भगवान आह्लाद में भरे हुए हैं, बड़े ही स्थूल भाव में बड़े मदमस्त होकर के प्रसन्न है, ऐसा मुझे
अनुभूति हुई, मुझे अनुभूति हुई और लोगों को क्या अनुभूति होगी, लेकिन आज हमारे नंदीदेव बड़े प्रसन्न हैं। भारी फोर्स की मौजूदगी में श्रद्धालु व्यास तहखाने की ओर गए और पूजा अर्चना की। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा करवाई गई। वाराणसी की जो सुबह हुई है वो सुबह सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मुस्तैद कर दी गई है। इतनी सुरक्षा बाहर के गेट पर नहीं हुआ करती थी, लेकिन शरारती तत्वों से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है। देर रात तक जो ब्यास जी का तहखाना है उसमें पूजा अर्चन के लिए जो रास्ता है वो बनाया गया, बैरिकेडिंग हटाया गया और कहीं न कहीं देर रात तक ब्यास जी के परिवार के लोगों द्वारा जहाँ पूजा अर्चन की गई, वहीं आम श्रद्धालु भी जल्द उसमें दर्शन कर सकते हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से उसपे पुजारी भी नियुक्त करना है। इस बीच रात में कुछ युवकों ने ज्ञान बापी की तरफ जाने वाले मार्ग पर लगे साइन बोर्ड पर ज्ञान बापी मंदिर मार्ग लिख दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मामले में डीएम ने कहा कि जिला कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया गया है। ब्यास जी के तहखाने को लेकर 21 साल का जो तपस्या था, जो सफर था, वो आखिरकार अब पूरा हो गया है। जिला अदालत की कोर्ट से ये फैसला आना कि दर्शन पूजन के अधिकार की अनुमति दे देना, ये कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लिए, सनातन को मानने वाले लोगों के लिए खुशी का मौका है। रात को घंटी बजाकर, शंख बजाकर शंखनाद किया गया है। ऐसे में बात करें तो कुछ सामाजिक संगठन के लोगों द्वारा जो ज्ञान बापी मस्जिद लिखा था, अब उसे ज्ञान बापी मंदिर कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं सनातन को मानने वाले लोगों के बीच खुशियों का जहां माहौल है, तो वहीं 31 साल का जो नंदी का तपस्या था वो अब पूरा हो गया है। ऐसे में कहीं न कहीं सनातन को मानने वाले लोगों के बीच जहां खुशियां हैं, तो वहीं जो याचिकाकर्ता हैं वो भी ढोल लंगाड़े बजाकर स्वागत